तुझे इतना प्यार करूंगा, इतना प्यार करूंगा, इतना प्यार करूंगा, इतना प्यार करूंगा, बहुत प्यार करूंगा तुझे। ये अपनी क्यूट स्माइल, अमेजिंग पर्सनालिटी के लिए जानी जाती हैं। इनकी सोशल मीडिया पर मिलियंस में फैंस हैं। इन्हें लोग बहुत ज़्यादा प्यार और सपोर्ट करते हैं। ये फेमस आयुष की वजह से हुई, क्योंकि इनकी और आयुष की कपल्स वीडियोस काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रही हैं। सलोनी से ब्रेकअप के बाद आयुष और दीक्षा एक ही साथ कपल्स वीडियोस बनाते हैं और एक दूसरे के साथ काफ़ी टाइम स्पेंड करते हुए नज़र आते हैं। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं दीक्षा पवार की लाइफ स्टोरी से लेके सोशल मीडिया लाइफ तक की पूरी कहानी के बारे में, और साथ ही आपको बताएंगे इनकी प्यारी सी लव स्टोरी। तो वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, एंड तक जरूर देखना। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? तो आइए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। वैसे कुछ चीजें हमेशा के लिए, जैसे हम। तू मेरी हीर में तेरा। दीक्षा अपनी गुड लुकिंग और क्यूट स्माइल से हर किसी का दिल चुरा लेती है। इनका फुल नेम दीक्षा मोहन पवार है। 29 दिसंबर 2001 को पुणे महाराष्ट्र में एक बहुत ही ज्यादा प्यारी बच्ची का जन्म हुआ, जो सोशल मीडिया पर दीक्षा पवार के नाम से फेमस है। दीक्षा की फैमिली बहुत ज़्यादा सपोर्टिंग है। इनकी फैमिली की बात करें तो इनकी फैमिली में इनके पेरेंट्स के अलावा एक सिस्टर और एक ब्रदर है। दीक्षा के करियर की बात करें तो इन्हें बचपन से ही एक्टिंग और डांस करने का बहुत ज़्यादा शौक था, और इसीलिए इन्होंने बचपन से ही मॉडलिंग करना स्टार्ट कर दिया था। दीक्षा की स्टडी और एजुकेशन की बात करें तो इन्होंने अपनी स्कूलिंग फैशन टेक्नोलॉजी पुणे से कंप्लीट किया, और इसके बाद ये दिल्ली आ गईं, और दिल्ली से इन्होंने फैशन टेक्नोलॉजी से अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। और इसके बाद दीक्षा की किसी फ्रेंड ने उन्हें टिकटॉक के बारे में बताया, तो दीक्षा ने भी टिकटॉक पर वीडियोस बनाना स्टार्ट कर दिया। ये टिकटॉक पर लिपसिंग वीडियोस बनाती थी, पर इन्हें कोई भी फेम हासिल नहीं हुआ। अगर कभी गुस्से में मैं बाय बोल दूं, तो इसका मतलब है मुझे मनाओ। टिकटॉक के बाद दीक्षा ने इंस्टाग्राम और यूट्यूब ज्वाइन कर लिया और इस पे वीडियोस बनाती रही। इसके बाद इनके इंस्टाग्राम पर काफी तेजी से फैन फॉलोइंग बढ़ती रही और लोग इन्हें पसंद करने लगे। दीक्षा पवार कई सारे एल्बम सॉन्ग भी कर चुकी हैं, और अब तो इनकी वीडियोस काफी तेजी से वायरल होती हैं। इनकी और आयुष की कपल्स वीडियोस को लोग काफी पसंद करते हैं। वहीं कुछ लोगों को तो ये भी लगता है कि आयुष और सलोनी का ब्रेकअप दीक्षा की वजह से ही हुआ है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, क्योंकि जब से आयुष और सलोनी का ब्रेकअप हुआ है तभी से दीक्षा और आयुष करीब आए हैं। वहीं आयुष का तो कहना ये है कि दीक्षा और हम अच्छे दोस्त हैं और इससे ज्यादा कुछ नहीं, पर सलोनी और आयुष के फैंस का तो कुछ और ही मानना है। सच्चा प्यार जिंदगी में बस एक बार होता है। अरे लौड़ा मेरा, अगर ऐसा होता तो दुनिया की आधी आबादी कवारी ना मर जाती। अरे प्यार है भैनचोद, चिकन पॉक्स थोड़ी ना है जो। और अब आयुष और दीक्षा कपल्स वीडियोस बनाते हैं। इनकी वीडियोस भी काफी तेजी से वायरल होती हैं और दोनों के ब्लॉग भी आते ही रहते हैं। तो अब बात कर लेते हैं दीक्षा की सोशल मीडिया पर फेम के बारे में। इनकी इंस्टाग्राम आईडी दीक्षा मोहन पवार के नाम से है, और इनके इंस्टाग्राम अकाउंट पर 611 के फॉलोअर्स कम्प्लीट हो चुके हैं। तो अब बात कर लेते हैं दीक्षा की फेवरेट थिंग्स और हॉबीज के बारे में। इन्हें ट्रैवलिंग करना बहुत पसंद है। इनका फेवरेट कलर ब्लैक है। इनके फेवरेट एक्टर शाहरुख खान और फेवरेट एक्ट्रेस कैटरीना कैफ हैं। और इन्हें खाने में फास्ट फूड बहुत ज्यादा पसंद है। ये पिज्जा लवर हैं। तो अब बात कर लेते हैं दीक्षा के फिजिकल मेजरमेंट के बारे में। इनकी हाइट 5 feet 5 inches है। बॉडी वेट 55 approx है। आई और हेयर कलर डार्क ब्राउन है। तो अब बात कर लेते हैं दीक्षा के रिलेशनशिप के बारे में। ये खुद को सिंगल बताती हैं, पर लोगों का मानना है कि दीक्षा और आयुष रिलेशनशिप में हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तुझे इतना प्यार करूंगा, इतना प्यार करूंगा, इतना प्यार करूंगा, इतना प्यार करूंगा, बहुत प्यार करूंगा तुझे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई हो। दीक्षा पवार आपको कैसी लगती हैं? वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करके जरूर बताना। और ऐसी ही इंटरेस्टिंग और नई नई स्टोरीज जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अपने सजेशन जरूर देना, मैं सबके कमेंट्स को रीड करती हूँ। फिर मिलेंगे एक ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक यू गाइस। क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी? क्यों बात कर रही थी उससे? क्यों, तुम्हारे अलावा मैं किसी और लड़के से बात नहीं कर सकती? नहीं कर सकती। होश बातों का अक्सर न